गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने हाइकेन सेकेंडरी वेवलेट स्टोरी पढ़ ली थी। अब उसी के बिहाव पे हम लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हम उसी चीज का कर सकते हैं जिसके बारे में हमें पता हो। तो रिफ्लेक्शन के दो लाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम। तो हमने सपोज किया कि एक प्लेन वेव फ्रंट ये सरफेस जेड जेड डैश पर तिरछा इंक्लाइन होता है। तो सबसे पहले इस वेव फ्रंट के ए पॉइंट ने सरफेस को ए पॉइंट पे टच किया, ये टाइम हमने 0 सेकंड एंगल लिया। तो सबसे पहले चूंकि ये सरफेस का यहां से स्ट्राइक किया है तो यहां से सेकेंडरी वेव वेव रेस निकलेगी आगे बढ़ेगी और टी सेकेंड में पहुंच गई ए रेस। इतने ही टाइम पे बी से निकलने वाली सेकेंडरी वेव रेस कहां आ गई, बी रेस। बात की है ध्यान दी। तो हमने सपोज किया है कि तिरछा वेव फ्रंट ए सबसे पहले कहां स्ट्राइक किया, ए, और यहां से अपने समय काउंट करना चालू किया। आफ्टर टी सेकेंड ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेव रेट कहां पहुंच गई, ए डैश, और बी से निकलने वाली सेकेंडरी वेव रेट उसी टी सेकेंड में कहां पे आ गई, बी डैश। तो इट मींस इनके जो डिस्टेंस है ए बी डैश बराबर बी ए डैश, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो जैसे जैसे ये वेव फ्रंट आगे आएगा ए और बी डैश के बीच के पॉइंट से क्या होगा, टकराए, एक के बाद इनसे क्या निकलेंगे, सेकेंडरी वेव लेंथ। और हम कह रहे हैं सबसे मतलब चारों वेव लाइन ऐसे ही क्लियर, थोड़ा फिगर टिप कर रहे हैं। ये 90 डिग्री, ये 90, ये आई हो गया बाई जेनरेटी, ये भी कितना हो जाएगा आई, ये आर हो गया तो बाई जेनरेटी ये भी कितना हो जाएगा आर। अब आप कह रहे हो ट्रायंगल ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल ए ए डैश बी डैश, ये कैसे सिमिलर ट्रायंगल, कॉमन ट्रायंगल हो, क्योंकि इनके दो एंगल इक्वल है। क्यों देखिए ये लिखिए हम ऐसे लिखिए इन ट्रायंगल ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल ए ए डैश बी डैश, दोनों ट्रायंगल फिगर में दिखाए थे। तो आप कह रहे हो कि ए डैश इक्वल बी ए डैश बी बी डैश ए डैश, यहां से आ तक ना ए डैश इक्वल बी बी डैश, किसके इक्वल आ गया बी बी, ये आपस में इक्वल है। एंगल ए बी बी डैश एंगल ए ए डैश बी डैश ये 90 डिग्री और ए बी डैश दोनों में क्या है कॉमन, क्या है तो जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल या दो साइड एक एंगल इक्वल हो तो ऐसे एस की क्या लगती प्रॉपर्टी, ये दोनों ट्रायंगल जैसे हो गए आपस में कॉन्वेंट ट्रायंगल ए बी बी डैश कॉन्वेंट ट्रायंगल ए ए डैश बी डैश। जब ये कॉन्वेंट हो गए तो इनको एंगल भी क्या होंगे इक्वल, इट मींस आई इक्वल किसके लिख सकते हैं एंगल आर। तो दिस इज फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम। तो ये दोनों लॉ आपने प्रूफ कर दिए बाय हाइगेन सेकेंडरी वेवलेंथ थ्योरी। तो आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रूफ। ओके, थैंक यू।